वॉकेब लर्निंग के एक और सेशन में आप सभी को लीगल उम का नमस्कार। कुछ नया करेंगे, सेंटेंस को आज ग्रामर में ब्रेक करेंगे और फॉर्मूले के माध्यम से कोशिश करेंगे कि इसका भैया कन्वर्जन कैसे होने वाला है। पहला सेंटेंस है, द कोर्ट ग्रांटेड द प्लेंटिफ अ टेंपरेरी रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर। इसकी वॉकेब पर आते हैं, कोर्ट यानी न्यायालय, ग्रांटेड यानी दिया, प्लेंटिफ वादी, टेम्पररी अस्थाई, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर निषेधाज्ञा। आइए इसका ग्रामर ब्रेकडाउन करते हैं। सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है द कोर्ट, नाउन है हमारा कोर्ट। वर्ब क्या है? ग्रांटेड यानी दिया, क्रिया को हम वर्ब कहते हैं और यहां पर जो क्रिया हुई है कोर्ट के द्वारा वो क्या है? दिया। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब प्लेंटिफ, यहां पर क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा भैया? अ टेंपरेरी रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर, है ना। यहां पर रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर नाउन है और एडजेक्टिव मॉडिफायर मतलब टेंपरेरी। कहने का मतलब है कि उस रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर की जो विशेषता बता रहा है कि वो कैसा ऑर्डर है, वो तो वो है टेंपरेरी, इसीलिए हमने क्या बोला इसको? एडजेक्टिव। और वो क्या हमारा? रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर हमारा नाउन है और उसकी जो विशेषता बताई जा रही है वो क्या है भैया? कि वो टेंपरेरी है, वो अस्थाई है। फाइनल सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। द कोर्ट ग्रांटेड द प्लेंटिफ अ टेंपरेरी रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर। पहले अंग्रेजी का फॉर्मूला समझो, पहले क्या आता है? पहले आता है सब्जेक्ट यानी नाउन, फिर आता है आपका वर्ब, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विद मॉडिफायर। अब आप कुछ मत करना, हमारे वीडियो में आगे सॉल्यूशन आएगा, पर आप कोशिश करना, चूंकि आपको मैं वॉकेब दे चुका हूं, आपको मैं फॉर्मूला बता चुका हूं, फॉर्मूला मैं आपको समझा चुका हूं। ये जो प्रेजेंटेशन है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर का, ये प्रेजेंटेशन है भैया आपका अंग्रेजी का फॉर्मूला। अब आपकी स्क्रीन पर हिंदी का फॉर्मूला मैं यहां पर देने वाला हूं और कोशिश करिए कि उस हिंदी फॉर्मूले के माध्यम से आप इस सेंटेंस को फ्रेम कर सके। आपको क्या करना है? आपको लगाना है पहले सब्जेक्ट, फिर आपको लगाना है इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब हमारा वादी, सब्जेक्ट में लगा दो न्यायालय, हमारा इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या भैया? वहां पर आप लगा दीजिए वादी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विद मॉडिफायर और लास्ट में वर्ब। वर्ब क्या है? ग्रांटेड मतलब दी, वो हमारा लास्ट में आएगा। हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? अस्थाई निषेधाज्ञा, तो उसे आपको भैया यहां पर लाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे वीडियो में इस चीज की, तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा। अभी केवल इस माध्यम से आप ये समझिए कि अंग्रेजी सेंटेंस फॉर्मेशन एक होता है, जब उसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, अगर आपको दो चीज आ गई, अगर आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मॉडिफायर क्या है, वर्ब क्या है, और आपको ये पता चल गया कि अंग्रेजी में ये फॉर्मूला होता है और हिंदी में भैया फॉर्मूला ये होता है, और आपको पता चल गए वॉकेब, तो सेंटेंस बनाना भैया क्या हो जाएगा? आपके लिए आसान हो जाएगा। इस वीडियो में एक ही सेंटेंस कर रहे हैं, फॉर्मूला ध्यान रखना। हर वीडियो में कोशिश करूंगा अभी कि फॉर्मूले के साथ आऊं, आपके सामने वॉकेब भी रख दूं, फॉर्मूला भी रख दूं, उसके बाद तो भैया ट्रांसलेशन हो ही जाएगा ना। तो फाइनली जो समाधान है हमारे इस सेंटेंस का वो क्या है? न्यायालय ने वादी को अस्थाई निषेधाज्ञा दी। समझेंगे, न्यायालय मतलब नाउन आपका सब्जेक्ट, उसके बाद इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो क्या हमारे इसमें? प्लेंटिफ यानी वादी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विद मॉडिफायर क्या है? अस्थाई निषेधाज्ञा, और वर्ब क्या है भैया? दी। तो इस तरीके से हम सीखेंगे, धीरे धीरे आपको समझ आएगा। आपको मॉडिफायर नहीं पता हो तो वो भी बताएंगे, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, बहुत सारे वीडियोस भी होंगे यूट्यूब के ऊपर, आप कोशिश करिए आप इनको सीख लीजिए। मॉडिफायर मतलब एडवर्ब, एडजेक्टिव है ना, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी इस तरीके की चीज होती है, तो कुछ बेसिक चीजें अपने को पता होना चाहिए। अगर वो पता होगा तो ट्रांसलेशन हो जाएगा आसान, आपको लगेगी चीजें दिखने, आपको पता चल जाएगा कि मुझे पहले क्या लगाना है और दूसरा क्या लगाना है, तीसरा क्या लगाना है, आपका सेंटेंस भैया प्रॉपर बन सकता है। तो एक बढ़िया वाली कोशिश हम करने वाले शुरू यहां से, ये अपना 19th वीडियो है मेरे हिसाब से। तो 19th वीडियो के बाद अब जो कुछ वीडियोज आएंगे उसका पूरा फोकस रहेगा ग्रामर इंप्रूवमेंट पे, कि वॉकेब भी मैं आपको दे दूं, ग्रामर भी मैं आपको दे दूं, सेंटेंस का फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, आप बस जमा जमा के अभी सीखो कि कैसे भैया वो सेंटेंस बनता है। अगले वीडियो में कुछ और सेंटेंस के साथ हम मिलते हैं।
धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।